Assalamu alaikum, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Students, I am your computer teacher, Tuba Amir. Today is my 22nd lecture of class 5. Students, today we will discuss about unit number 4, that is moving ahead with windows. जैसे कि आज हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है यूनिट नंबर 4, और आज हमने पढ़ना है विंडोज़ के बारे में. अब ये विंडोज़ क्या होती हैं? स्टूडेंट, विंडोज़ दो तरह की होती हैं, ठीक है. एक होती है हमारे घर में जो वेंटिलेशन के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ से हम बाहर की साइड पे देख सकते हैं, और जो एयर की क्रॉसिंग होती है उसे हम कहते हैं विंडो. अब ये कहाँ पे है? ये तो बिल्डिंग में आती है ना विंडोज़, ठीक है. ये हमारे घरों में यूज़ होती है. अब एक विंडो ऐसी होती है जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है. इट्स मीन के एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए. कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को प्रॉपर वे में हम जैसे कि यूज़ कर सकते हैं, उसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है. अगर हम कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल ना करें और बग़ैर इंस्टॉल किए हम कंप्यूटर को यूज़ करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बग़ैर विंडो कि हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें. नहीं होता ऐसे, ठीक है. एक विंडोज़ होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से सारे हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर के साथ लिंक होते हैं और उनके साथ काम करते हैं, ठीक है. अब ये विंडोज़ होती हैं, ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि विंडो 98 और विंडो NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडो विस्टा एंड विंडो 7. ये सारी क्या हैं? टाइप्स हैं विंडोज़ की, और ये टाइम टू टाइम डेवलप की गई ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर में अपने कोई से भी काम कर सकते हैं, ठीक है. अब ये विंडोज़ होती है, जैसे कि हम कंप्यूटर को जब पावर ऑन करते हैं, CPU पे जो एक बटन होता है पावर ऑन का, उसे हम ऑन करते हैं. स्विच ऑन करने के बाद तो फिर हमारे सामने कंप्यूटर में एक विंडो स्क्रीन शो होती है, 4 कलर्स की विंडो होती है. फिर वो जो प्रोसेसिंग हो रहा होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक डेस्कटॉप शो होता है, ठीक है. अब विंडो का काम ये है कि वो पहले एक बार चेक कर ले कि सारे हार्डवेयर जो कनेक्टेड हैं कि क्या वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से अटैच हैं कंप्यूटर के साथ या नहीं, और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. ये सारा काम जो होता है ये हमारा विंडोज़ चेक कर रहा होता है, ठीक है. फिर जब हमारे सामने एक विंडोज़ डेस्कटॉप जो शो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें वो तमाम चीज़ें हमारे सामने शो होती हैं जो हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल की होती हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई रिसाइकल बिन. इट्स मीन कि ये सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पे शो होती हैं, जो आइकन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आइकन्स होते हैं. और इसके अलावा आज जो हमने पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है स्टार्टिंग विंडो. क्या है स्टार्टिंग विंडो, इसके बारे में आज हम कुछ पढ़ लेते हैं. कंप्यूटर को ऑन किया, हमारे सामने ये वाली स्क्रीन अपेयर होगी, ठीक है, और इसमें डिफरेंट कलर के वॉलपेपर होते हैं जिसे हम अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट कलर्स के हम वॉलपेपर हम यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे सामने विंडो डेस्कटॉप शो हो रहा है, वो है, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स हैं. आइकन्स क्या होता है? आइकन्स होते हैं बेसिकली छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, स्मॉल साइज़ की इमेजेस होती हैं, जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं, जो हमारे विंडोज़ डेस्कटॉप पे शो होते हैं. जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं माई कंप्यूटर. अब माई कंप्यूटर क्या है? माई कंप्यूटर जैसे कि जिसमें हमने अपना सारा जो डाटा होता है हमने उसमें सेव करना होता है, ठीक है. अब माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे माई कंप्यूटर के हमने माई कंप्यूटर को डबल क्लिक किया है तो हमारे सामने ये स्क्रीन शो होगी. अब इसमें क्या होता है, नए माई कंप्यूटर में डिफरेंट डिस्क होती हैं, जैसे कि CD, EF, CD-ROM, DVD-ROM एंड फ्लॉपी डिस्क. इट्स मीन कि ये तो सारे डिस्क हैं हमारी जिसमें हमने अपना डाटा सेव करना होता है, ठीक है. और इसके अलावा जब CD-ROM होता है, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी CD या DVD इंसर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे शो होती है, ऐसे हम डबल क्लिक करते हैं तो जिसकी वजह से हम
अपनी सीडी या डीवीडी को इजीली रन कर सकते हैं कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने फ्लॉपी यूज़ करनी है फ्लॉपी डिस्क, तो हम हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगा कि आपकी फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट हो चुकी हुई है और वो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारी है माय कंप्यूटर की विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट का आइकन है और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। माय डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने काम किए होते हैं उसे हम माय डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं। जबकि हमने एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है, एक पेपर का फोल्डर होता है जिसमें हमने अपने पेजेस या पेपर जो आपके होते हैं, कोई भी असाइनमेंट होती है जिसे आप अपने एनवेलप में सेव कर लेते हैं, फोल्डर में सेव कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही माय डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर होता है कंप्यूटर में जिसमें आप डिफरेंट नेम्स लिखकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आता है आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमने कोई भी इंटरनेट से जो हेल्प लेनी होती है, हमने कुछ भी फाइंड आउट करना होता है, सर्चिंग करनी होती है, वो हमने कहाँ करनी होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, जिसमें हम अपने अपने डॉक्यूमेंट कुछ भी जो होता है उसे हमने राइट करना होता है, पेपर कंपोज करने होते हैं, उसे हम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक इनसाइकल बिन का इमेज हमारे सामने शो हो रहा है आइकन। अब इसमें जितना भी हमने कंप्यूटर में से डाटा डिलीट किया होता है, सारा डिलीटेड डाटा जो होता है हमारे रिसाइकल शो होता है, ठीक है। अब है माय नेटवर्क प्लेसेस, जो हमने कंप्यूटर के साथ जितने भी इंटरनेट के जो चीज़ें होती हैं हमने अटैच की होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। अगर हमने कोई केबल हमने अटैच की है सीपीयू के साथ तो हमारी वो माय नेटवर्क प्लेसेस में शो होगा, ठीक है। आगे आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये हैं सारे आइकन्स के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। ये डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिन्हें हम डबल क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट बटन के बारे में। अब ये स्टार्ट बटन क्या होता है, जब हमने कोई भी काम शुरू करना होता है स्टार्ट लेना होता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने इन आइकन्स के अलावा कोई और काम करना है तो हम स्टार्ट बटन को यूज़ करेंगे और हम इसे क्लिक करेंगे, जितने भी इंस्टॉल किए हुए हमारे प्रोग्राम्स होंगे कंप्यूटर में वो हमारे स्टार्ट बटन में सब के सब शो होंगे, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट मेन्यू, अब हमने अगर स्टार्ट बटन का बटन क्लिक किया है, ठीक है, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से मेन्यू शो होगा जिसे हम कहेंगे स्टार्ट मेन्यू। क्या कहेंगे इसे हम, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को जब हमने क्लिक किया है तो इसके सामने काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे शो हुए हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। अगर हम ऑल प्रोग्राम्स को करते हैं, फिर एक्सेसरीज़ का बटन आता है, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने जितने भी कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस जितने भी हमने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया हुआ है वो सारे हमारे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टास्क बार। स्टूडेंट विंडोज़ डेस्कटॉप की एक टास्क बार होती है, जैसे कि एक ऐसी बार जिस पे तमाम टास्क शो होते हैं जिसे हम कहते हैं टास्क बार। और इस पे क्या क्या शो होता है, लेफ्ट साइड पे तो स्टार्ट बटन है, राइट साइड पे क्या है, क्लॉक है और वॉल्यूम का बटन होता है। अगर हमने कोई कमांड दी हुई है प्रिंटर के लिए तब भी प्रिंटर का एक बटन शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्या है, टास्क बार है, ठीक है। स्टूडेंट आज हमने पढ़ा है विंडोज़ डेस्कटॉप के बारे में। आज आपने क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है कि सब क्या होते हैं, क्योंकि इसी में से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।